नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर का ऑल हिमाचल मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जो ये मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब में डाल दिए, तो नीचे उन सब के लिंक दिए हुए हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम एचआरटीसी कंडक्टर का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 200 क्वेश्चन और 2 घंटे का आपका टाइम होगा। अगर एचपीएसएससी कंडक्ट करता है तो यही पैटर्न रहेगा। वैसे फिलहाल तो एचपीएसएससी सस्पेंड है, मगर हम अपनी तैयारी को नहीं रोक सकते, तैयारी तो हमने करनी ही है और पोस्टें भी इस बार बहुत अच्छी आ रखी है, तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास सिलेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये ऐसे ही मॉक टेस्ट बाय करने होंगे तो 10 मॉक टेस्ट मैंने बना दिए, वो आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो ऐप को डाउनलोड करना। वहाँ पर एचआरटीसी कंडक्टर के मॉक टेस्ट का कोर्स डाल रखा है, तो 10 मॉक टेस्ट होंगे उसमें लेटेस्ट पैटर्न पे, और फीस शायद 200-250 रुपये कुछ होगी, तो वहाँ चेक कर लेना अगर आपको लेने होंगे। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौरीकुंड इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड नियर। तो जो हिमाचल प्रदेश में गौरीकुंड है वो कहाँ पर स्थित है, आपको प्लेस बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं धर्मशाला, मनाली, रेणुका या मनीमहेश। तो बताइए गौरीकुंड कहाँ पर है, धर्मशाला, मनाली, रेणुका या मनीमहेश। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है मनीमहेश। मनीमहेश कहाँ पड़ता है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो गौरीकुंड है ये कहाँ पर है, मनीमहेश में है। मनीमहेश कहाँ पर है, चंबा में है। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछता तो आप चंबा बोलते, बाकी प्लेस पूछा तो मनीमहेश इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पहले खुद अटेम्प्ट करना मॉक टेस्ट को, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉट फॉल इन द इनर हिमालयस। तो कहना क्या चाहता है, हिमाचल प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला आंतरिक हिमालय में नहीं आता। तो बताइए आंतरिक हिमालय में कौन सा जिला नहीं आता। ऑप्शन है कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, मंडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर इनर हिमालयस में नहीं आता, बल्कि ये आपके आउटर में आता है, जो आपका सबसे लो माउंटेन्स है उसमें आता है, ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया। इनर हिमालयस में कांगड़ा आता है, सिरमौर आता है, मंडी आता है, ठीक है, शिमला आता है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है बी, हमीरपुर। हमीरपुर इनर हिमालयस में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज अ स्टेट फेयर। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा मेला राज्य का मेला है। तो स्टेट फेयर कौन सा है, भेल फेयर, नलवारी फेयर, बड़ा देवी फेयर या चकराना फेयर। तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नलवारी फेयर। तो जो नलवारी फेयर है ये स्टेट फेयर है, बाकी सारे आपके डिस्ट्रिक्ट फेयर हैं। तो वैसे तो इंटरनेशनल फेयर भी होते हैं, जैसे अगर आप शिवरात्रि की बात करो, दशहरा की बात करो, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। नलवारी कैसा है, ये स्टेट लेवल का है, तो स्टेट फेयर है नलवारी। फर्स्ट थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, नलवारी फेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन ऑफ एचपी टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज। तो कहना क्या चाहता है, सिंपली आपको बताता हूँ, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, परसेंटेज में आपको बतानी, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। तो बताइए 4%, 5%, 6% या 7%। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर प्रिसाइसली बोलूँ तो 5.71% एसटी की पॉपुलेशन थी हिमाचल प्रदेश में, मगर इसमें हमें राउंड फिगर में बोल रहा है, तो फोर्थ का जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी, 6%। फिफ्थ है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हनौनी में, उसका फर्स्ट वाइस चांसलर कौन था, आपको ये बताना है। तो प्रथम कुलपति कौन थे, डॉक्टर एम आर ठाकुर, डॉक्टर एच आर किलाती, डॉक्टर जी सी नेगी, पी पी श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर एम आर ठाकुर क्या थे, ये पहले कुलपति थे वाई एस परमार, जो नौनी यूनिवर्सिटी है, सिंपली उसी का नाम बोलता हूँ, नौनी यूनिवर्सिटी के जो पहले कुलपति थे वो थे डॉक्टर एम आर ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो कह रहा है प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो बताइए जो स्टेट की पहली फाइनेंस कमीशन थी वो कब इस्टेब्लिश हुई या कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1964, यहाँ पर ये 1974 लिखा है, 1974, 1984 या 1994। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1994।
तो ये सारे क्वेश्चन HPSSC ने अपने डिफरेंट एग्जाम से पूछे हुए हैं और मैंने वहीं से क्वेश्चन उठा के इस मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं। तो आपने ऐसे भी नहीं सोचना कि कोई भी क्वेश्चन मैं उठा के डाल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन HPSSC ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, 1994 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सेवंथ क्या है, टोलमी अ ग्रीक हिस्टोरियन कॉल्ड त्रिगर्ता एस, तो बताइए जो टोलमी है इसने जो त्रिगर्ता है उसे क्या कहा था, त्रिगर्ता किसे बोलते थे, कांगड़ा का एंशियंट नाम था, ठीक है, तो उसे क्या कहा था देख लेते हैं, क्या कहा था, वलहिस्का, व्यादसा, कीरग्रामा या कैलेंडरिन, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। टोलमी यूनानी इतिहासकार ने त्रिगर्त को क्या कहा था, तो त्रिगर्त को क्या कहा था, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैलेंडरिन, ठीक है, कैलेंडरिन ये कहा था, कैलेंड्रेन, ठीक है, तो वैसे तो प्रोनाउंसिएशन अजीब सी लिखी हुई है इसकी, मतलब अजीब ही वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी ठीक से नहीं आती, कैलेंडरिन, ठीक है, कैलेंडरिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो टोलमी ने एक ग्रीक हिस्टोरियन था त्रिगर्ता को क्या कहा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कैलेंडरिन। एट क्वेश्चन है, बसुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो बताइए जो ये बसुआ फेस्टिवल है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, तो कुल्लू में मनाते हैं, सिरमौर में मनाते हैं, शिमला में मनाए जाते हैं या कांगड़ा में मनाते हैं, तो बसुआ फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। एट का राइट आंसर क्या है, एट का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल, बसुआ फेस्टिवल, एट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नाइन्थ देखते हैं, द लोहला ट्राइब्स फाउंड इन लोहल एरिया आर, लोहल क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहला जनजाति है, तो बताइए क्या है, ऑप्शन क्या दिए, एक्सोगेमस, पॉलीगेमस, एंडोगेमस या मोनोगेमस, तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा, सिंपली आपको आंसर ही बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है एंडोगेमस, ठीक है। एंडोगेमस क्या होता है, ये इन मैरिज होती है, यानी अपने ही ग्रुप के अंदर शादी करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोगेमस। तो जो लाहौल एरिया में लाहौल ट्राइब मिलती है, लाहौला ट्राइब, ये अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं, तो नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंडोगेमस। टेंथ है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई गवर्नमेंस ऑन, तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई गवर्नमेंस की शुरुआत की थी वो कब की थी, 2 मई 2008, 5 जुलाई 2009, 15 अगस्त 2010 या 26 जनवरी 2015, तो टेंथ का राइट आंसर क्या होगा, टेंथ का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 2 मई 2008, ठीक है, 2008 में जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट थी उसने ई गवर्नेंस लॉन्च किया था, टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इलेवंथ है, द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिस्टली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्राचीनतम राज्य कौन था, तो सबसे पुराना तो सबको पता होता है कौन है, त्रिगर्ता, मगर सेकेंड कौन सा था सबसे पुराना, वो था, पहले ऑप्शन देखते हैं, त्रिगर्ता, कुलुता, सिरमौर या बुशहर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुलुत, ठीक है, कुलुत बोल दो या कुलुता बोल दो, तो ये सेकेंड सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट प्रिंसिपल स्टेट है आप वो बोल सकते हो, ठीक है, सबसे पुरानी त्रिगर्ता थी, उसके बाद आती है कुलुत। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन का लेवल मैंने अच्छा रखने की कोशिश की है, क्योंकि अब वो जमाना चलेगा कि आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि शिवरात्रि कहाँ होता है, हाँ मंडी में होता है, कोल डैम कहाँ पर है, बिलासपुर में, तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे, अब थोड़ा लेवल है वो अच्छा हो गया एग्जाम का, तो हमें अपनी तैयारी का लेवल भी अच्छा ही करना पड़ेगा। 12th है, इन विच एरिया अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म वॉज स्टार्टेड इन HP, तो जो ये अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म है ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ, सिंपली ये पूछ रहा है, तो 1965 से 66, 1972 से 73, 1980 से 81 या 1984 से 85, तो 12th का राइट आंसर क्या होगा, 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1972 से 73। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी सही नहीं कर पाता, मतलब तुक्के लगाने पड़ते हैं, तो HPSSC क्या करता है, 20 क्वेश्चन अगर हिमाचल जीके के पूछेगा तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने PDF में डाले ताकि आपको आइडिया लग जाए, बाकी ऐसा है बुकों में क्वेश्चन मिलते भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी कुछ सिंपल सिंपल होते हैं वो मिल जाते हैं हमें, तो वो तो सभी सही करेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो उन्हें सही करता है वही आखिरी में सिलेक्शन लेता है, तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ कुनिहार टुडे, तो वो कह रहा है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार का तत्कालीन राज्य आज है, तो जो कुनिहार था ये आज के समय में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सिंपली आप ये पूछ रहा है, तो चंबा में है, मंडी में है, शिमला में है, सोलन में है, तो बताइए जो कुनिहार रियासत थी ये आज के समय में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट में अगर बोले तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, 13th का राइट आंसर ऑप्शन डी, सोलन है, तो ये जो कुनिहार रियासत है आप प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अभी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, 13th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 14 है, हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा वैन मोहम्मद गजनवी अटैक नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD,
तो कहना क्या चाहता है कि कांगड़ा का राजा कौन था जब मोहम्मद गजनवी ने 1009 AD में नगरकोट था उस पर हमला किया था, तो बताइए कौन था। ऑप्शन है जगदीश चंद, भूमाचंद, दीपचंद या शेरचंद। तो 14th का राइट आंसर क्या है, 14th का राइट आंसर ऑप्शन ए है जगदीश चंद। तो कांगड़ा का राजा उस समय जगदीश चंद था जब मोहम्मद गजनवी ने 1009 AD में नगरकोट पर हमला किया था। 14th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये सब तो बुकों में दिया हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर कर ही देंगे। 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू टू मेक हिज वे इन टू कांगड़ा एंड चंबा हिल्स। तो कहना क्या चाहता है, निम्न में से कौन सा कांगड़ा और चंबा पहाड़ियों में अपना रास्ता बनाने वाला जम्मू का पहला राजा था। तो बताइए जम्मू का पहला राजा कौन था जिसने कांगड़ा और चंबा पहाड़ियों में अपना रास्ता बनाया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट है विजय सिंह, अजय सिंह, उमेद सिंह या उदय सिंह। तो बताइए कौन सा राजा था जिसने कांगड़ा और चंबा हिल्स में अपना रास्ता बनाया था, जम्मू का वो कौन सा राजा था। 15th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उदय सिंह। तो जम्मू के राजा उदय सिंह ने जो कांगड़ा थी और चंबा हिल्स थी वहां पर अपना रास्ता बनाया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th है, इन एचपी मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन विच ईयर। कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई। तो किस वर्ष शुरू की गई थी ये मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो 16th का राइट आंसर क्या है, 16th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2005। 2005 में क्या स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश में, मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 16th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। मॉक टेस्ट की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वहां से डाउनलोड करके पहले अटेम्प्ट कर लेना खुद। 17th है, HP एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन विच ईयर। तो बताइए हिमाचल प्रदेश में कृषि बागवानी उत्पादन विपणन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो बताइए कब लागू हुआ था, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो 17th का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है 2005। तो HP एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट कब एनफोर्स हुआ था, 2005 में हुआ था। 17th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18th है, बिसाइड्स किन्नौर एंड लाहौल स्पीति विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द 2011 सेंसस। तो सिंपली आपको बताता हूँ कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उस समय जो पॉपुलेशन थी अर्बन पॉपुलेशन वो किन्नौर और लाहौल स्पीति की सबसे कम थी, मगर उसके बाद तीसरे में सबसे कम किसकी थी, तो आपसे ये पूछ रहे हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन जो आपकी शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन थी वो सबसे कम कहाँ थी, लाहौल स्पीति में थी, फिर किन्नौर में थी, थर्ड नंबर पे कहाँ पर थी, तो वो पूछ रहे हैं, परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर देखिए लोएस्ट परसेंटेज लिखा है, तो कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में, मंडी में। तो 18th का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कांगड़ा है। ठीक है, कांगड़ा में ऐसे पॉपुलेशन तो ज़्यादा है मगर अगर परसेंटेज देखें कि परसेंटेज कितनी परसेंटेज लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन है यानी शहर में रहते हैं तो वो कम है, तो थर्ड नंबर पर आते हैं। तो 18th का राइट आंसर क्या है, कांगड़ा। सबसे कम लाहौल स्पीति में, फिर किन्नौर में, फिर कांगड़ा में अर्बन पॉपुलेशन है। 18th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19th है, गज हाइडल प्रोजेक्ट इन बिल्ट ऑन विच रिवर इन HP। तो कहना क्या चाहता है, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें गज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो आपको सिंपली ये बताना है चिनाब में, यमुना में, सतलुज में या ब्यास में। तो 19th का राइट आंसर क्या होगा, 19th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ब्यास। ठीक है, ब्यास में बना हुआ है गज हाइड्रल प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये ब्यास पे बना हुआ है। 19th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब 20 है, तारागढ़ पैलेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहना क्या चाहता है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल स्थित है। तो बताइए तारागढ़ जो महल है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा में है, बिलासपुर में है, हमीरपुर में है, मंडी में। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है कांगड़ा। तो तारागढ़ पैलेस जो है ये कहाँ पर है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो लगभग आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हिमाचल जीके के, तो 200 क्वेश्चन में से 20 हिमाचल जीके के होंगे। अब देखते हैं हम अगला सेक्शन कौन सा है, अगला हमारा आ गया है इंडिया जीके का सेक्शन। 21st है, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, बनियन ट्री की, नीम ट्री की, पीपल ट्री की या नन ऑफ दिस की। तो बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। 21 का राइट आंसर है पीपल ट्री। ठीक है, जो पीपल का पेड़ था उसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 22 देखते हैं। द आर्यन सक्सेस इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस इन वेस्ट एशिया एंड इंडिया वॉज मेनली ड्यू टू देयर। तो कहना क्या चाहते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं,
पश्चिमी एशिया और भारत में आर्यों की विरोधियों को पराजित करने में सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो जो वेस्ट एशिया था और इंडिया था, उसमें जो आर्यंस के विरोधी थे उन्हें पराजित करने में जो आर्यंस थे उनका मुख्य कारण क्या था, क्या मुख्य कारण रहा था कि किस वजह से उन्होंने पराजित किया अपने विरोधियों को वहां पर? तो बेटर आर्म्स थे आर्यंस के पास, हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स थे, माइनिंग थी, ट्रेड एंड कॉमर्स था। तो इसका राइट आंसर क्या है, 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स। तो इसका मतलब है उनके अश्वचालित रथ थे जिसकी वजह से उन्होंने जो भी उनकी विरोधी थी वेस्ट एशिया में और इंडिया में उन्हें हराया था। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। वैसे हिस्ट्री डिफिकल्ट होती है, आपको पता ही है, हिस्ट्री में पढ़ने को बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अगर वहीं कंपेरिजन पॉलिटी देखें तो पॉलिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं, मगर हिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना टफ होता है क्योंकि पढ़ने को बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होती है वास्ट, ठीक है, बहुत वास्ट होती है हिस्ट्री। तो 23 देखते हैं, द महाजनपदास वेर कंपोज ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स। तो जो महाजनपदास है वो कितने राज्यों का समूह है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो 12 है, 16 है, 20 है, 24। तो बताइए महाजनपदास में कितने स्टेट्स थे? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 16, ठीक है, 16 राज्य थे, ठीक है, महाजनपदास में कितने राज्य थे, 16 थे, 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 24 देखते हैं, द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कॉनोनिकल लिटरेचर वॉज। तो कहना क्या चाहते हैं, बौद्ध धर्म प्रमाणित साहित्य का महान बौद्ध टीकाकार कौन था? तो जो बौद्ध साहित्य था उसका महान बौद्ध टीकाकार कौन था, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, अश्वघोषा, बुद्धा घोषा, वासुमित्रा या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर क्या है, 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धा घोषा, ठीक है। तो जो बुद्धा घोषा था ये महान टीकाकार था जो आपका बौद्ध साहित्य है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25, बिंदुसारा डाइड इन विच ईयर। तो बिंदुसारा तो आपको पता होगा अशोक के पिताजी थे, तो इनकी मृत्यु कब हुई, सिंपली ये पूछ रहा है, 255 BC, 273 BC, 286 BC, 273 BC। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या है, 25 का राइट आंसर क्या है, सॉरी 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 273 BC। तो जो बिंदुसारा थे उनकी मृत्यु कब हुई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 273 BC। 26 है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये राइट बिलीफ है, राइट नॉलेज है और राइट एक्शन है, ये किस धर्म से रिलेटेड है, सिंपली ये भी कह सकते हैं किस धर्म से रिलेटेड है, शैवतीज, जैनाज, बुद्धिस्ट या कबीर पंथीज। तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जैनाज है, ठीक है। तो जो राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन है ये जैनाज धर्म से रिलेटेड है, उनके थ्री ज्वेल्स हैं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हेल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर्स। तो कहना क्या चाहता है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा शासक प्रति 5 वर्ष पर प्रयागराज में एक धार्मिक सभा का आयोजित करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा रूलर है जो प्रयाग में हर 5 साल बाद एक रिलीजियस असेंबली रखता है, अशोका था, कनिष्का था, हर्षवर्धना था या चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य था? 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, हर्षवर्धना। तो जो ये हर्षवर्धना था ये क्या करता था, ये प्रयाग में हर 5 साल बाद एक रिलीजियस असेंबली रखता था, ठीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 है, द स्तूपा एट सांची एंड द रेलिंग सराउंडिंग इट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ। तो कहना चाहता है सांची स्थित स्तूप और उसके चारों ओर की बाड़ किसके काल में बनी थी? तो बताइए कौन से काल में बनी हुई है, जो सांची में स्तूप है और एक रेलिंग बनी हुई है उसके सराउंडिंग में, तो मौर्याज में, गुप्ताज में, चोलाज में या कुशांस में? तो 28 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। तो जो मौर्यास थे उनके काल में जो सांची का स्तूप बना है और एक रेलिंग है उसको सराउंड करती हुई, 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 है, द मोदी स्क्रिप्ट वॉज इम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ। तो कहना क्या चाहता है, मोदी लिपि किसके प्रलेखों में उपयोग की गई है? तो बताइए आप जो ये मोदी लिपि है ये किसके प्रलेखों में उपयोग की गई है, होसालास, वंडियास, मराठास या जामोरिन्स? तो 29 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मराठास है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया हिस्ट्री डिफिकल्ट होती है, तो हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो जो ये मोदी स्क्रिप्ट है, मोदी लिपि है, ये किसके प्रलेखों में यूज हुई, मराठास के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 30 है, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ द मुगल आर्मी। तो कहना क्या चाहता है, मुगल सेना के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो बताइए मुगल सेना थी उसके बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, इट वॉज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इट हैड एन एफिशिएंट कैवलरी, इट वॉज बेस्ड ऑन मानसफदरी सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है इट वॉज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है मुगल आर्मी के बारे में, वो कोई भी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 31 देखते हैं, विच बॉडी गार्ड ऑफ शिवाजी अकंपेनियड हिम ड्यूरिंग हिज फेमस एस्केप बिड फ्रॉम अफजल खान। तो कहना चाहता है अफजल खान से बच निकलने में प्रसिद्ध
पर्यटन में शिवाजी के किस अंगरक्षक ने उनका साथ दिया था? तो बताइए, जब अफजल खान थे उन्होंने शिवाजी को बंदी बना लिया था, तो उनको वहां से भगाने में किसने उनकी हेल्प की थी, किसने उन्हें अकंपनी किया था? तो ऑप्शन बताइए, शंभुजी कवजी, गोपीनाथ सुनाजी पंत या देवनाथ। तो बताइए कौन थे उनके बॉडीगार्ड जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंभुजी कवजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शंभुजी कवजी ने जो शिवाजी की बॉडीगार्ड थे इनकी हेल्प की थी उनका जो अफजल खान का जो चंगुल था उससे बचने के लिए। ठीक है, उसके उनके वहां पर वो बंदी थे और वहां से बचने में जो ये शंभुजी कवजी है उनके बॉडी उन्होंने उनकी हेल्प की थी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 32 है, द पंचतंत्र वॉज रिटन ड्यूरिंग द, तो जो पंचतंत्र है किसके काल के दौरान लिखी गई थी? पंचतंत्र आपको बताया विष्णु शर्मा ने लिखी थी, किसके काल के दौरान लिखी थी? तो लेटर वैदिक पीरियड, सल्तनेट पीरियड, मौर्यन पीरियड या गुप्ता पीरियड। तो 32 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या लिखी गई है? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। तो पंचतंत्र ऑप्शन डी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 33। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सिंपली ये पूछ रहे हैं हमसे। तो एक बार तो स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी तभी हम आंसर बता पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, द बैटल वॉज फॉट इन 1863, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी। अब आपको अगर पता हो बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था, 1764 में, तो बैटल ऑफ बक्सर तो 1764 में लड़ा गया था और यहाँ 1863 लिखा है, तो ये पहली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मगर पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल, हाँ ब्रिटिश ने ले लिया था। मीर कासिम वॉज रूटेड एट द बैटल ऑफ बक्सर, हाँ नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया, यहाँ पर 1863 लिखा है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 34 देखते हैं, अबैंडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एग्रेंडाइजमेंट टूवर्ड्स इंडियन स्टेट कम अंडर द, तो बहुत ही खतरनाक इंग्लिश लिखी गई है, एक बार हिंदी में पढ़ना पड़ना। भारतीय राज्यों के प्रति समामिलन तथा विवर्धन की नीति का परित्याग किसके अंतर्गत आया? तो जो ये पॉलिसी है आपकी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एग्रेंडाइजमेंट टूवर्ड्स इंडियन, ये जो पॉलिसी थी इसे इसका परित्याग या फिर इसको छोड़ा किसके दौरान गया, किस एक्ट के से इसे छोड़ा गया? तो हम सिंपली ये पूछ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो 34 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था इसके अंडर जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एग्रेंडाइजमेंट थी इसे छोड़ दिया गया, इसका परित्याग किया गया। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट इट्स सेशन हेल्ड इन, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था उसे कहाँ अडॉप्ट किया? सिंपल सा इसका आंसर है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कलकत्ता सेशन में, कराची सेशन में, इलाहाबाद सेशन में, लाहौर सेशन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था उसमें जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 36 देखते, द ब्रिटिश लॉ विच प्रोवोक महात्मा इन साउथ अफ्रीका वॉज कॉल्ड गांधी टू क्रसेड फॉर द एशियंस, तो सिंपली इसमें कहना क्या चाहता है, जो एक ब्रिटिश लॉ था जो साउथ अफ्रीका में था जिस वजह से महात्मा गांधी ने उसे क्या कहा था, कर्सेड ऑफ द एशियंस, तो कौन सा एक्ट था जिसे महात्मा गांधी ने कहा कर्सेड ऑफ फॉर द एशियंस? तो बताइए, द ब्लैक्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, द कलर्ड लाइसेंस एक्ट या द अपार्थियड एक्ट। तो गांधी जी ने किस एक्ट को कहा था कर्सेड फॉर द एशियंस? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो जो द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसे गांधी जी ने क्या कहा था, कर्सेड फॉर द एशियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 37, हु प्लेड द प्रोमिनेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ समझौता समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बताइए कौन किसने भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन देख लेते हैं हमें, ऑप्शन क्या क्या देखें, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, बाल गंगाधर तिलक। तो हु प्लेड द प्रोमिनेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द लखनऊ पैक्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बाल गंगाधर तिलक। 38 है, हु सेड पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया, तो बताइए कथन किसने कहा था, देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद चटर्जी या स्वामी विवेकानंद। तो बताइए देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है किसने कहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बंकिम चंद चटर्जी ने क्या कहा था, ये कथन उनके द्वारा कहा गया, पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 39 है, द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एम्ड एट, तो जो एनी बेसेंट द्वारा चलाई गई होम रूल मूवमेंट थी उसका उद्देश्य क्या था, सिंपली ये पूछ रहा है, एजुकेटिंग द इंडियन मासेस,
एजिटेटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली इन एडमिनिस्ट्रेशन, बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स या अटेनिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। तो एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाई थी, उसका उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अटेनिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। तो इंडिया में सेल्फ रूल हो, उसके उद्देश्य से होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी एनी बेसेंट द्वारा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 40 है, क्रिप्स मिशन एम्ड एट, तो जो क्रिप्स मिशन था वो किस पर केंद्रित था, तो किस लिए हुआ था, एक तरह से ये बोल लेते हैं, जो क्रिप्स मिशन हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था? गिविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू यूनाइटेड इंडिया, वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कांग्रेस डिमांड ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर अ पार्टीशन इंडिया, गिविंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो 40 का राइट आंसर क्या है, सिंपली आपको आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंडियन डिमांड्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड मुस्लिम्स लीग डिमांड फॉर पार्टीशन इंडिया। जो कांग्रेस चाहती थी वो क्या चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया हो जिसमें पाकिस्तान भी हो, मगर मुस्लिम लीग चाहता था कि पाकिस्तान अलग हो इंडिया से, वो अलग ही एक कंट्री हो। तो उसकी जो डिमांड थी, दोनों की डिमांड को सुनना था उन्होंने क्रिप्स मिशन में और कुछ आउटकम निकालना था, तो इसलिए हुआ था क्रिप्स मिशन। 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 41 देखते हैं, लक्षद्वीप्स हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहना चाहता है भारत के किस प्रदेश में लक्षद्वीप उच्च न्यायालय स्थित है। तो बताइए जो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है वो कौन सी स्टेट में है, सिंपली ये पूछ रहा है, तमिलनाडु में है, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। तो लक्षद्वीप हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी केरला है। तो लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पर है, केरला में है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 42 देख लेते हैं, 42 क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच सेंसस। तो कहना चाहता है संसद की सीटों का बंटवारा किस जनगणना के आधारत पर हुआ है। तो बताइए 1951, 1961, 1971 या 1981। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो पार्लियामेंट की सीट्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 देखते हैं, द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ। तो कहना क्या चाहता है, राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन ना होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होगा। तो बताइए कितने समय तक मान्य होगा, 6 months, 6 weeks, 1 year या 1 week। तो 43 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6 week। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस गवर्नर पास करता है और स्टेट जो लेजिस्लेचर उसे अप्रूव नहीं करती तो वो सिर्फ 6 weeks के लिए वैलिड रहेगा। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट। तो जो भारत में लोकतंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है, किस तथ्य पर आधारित है आपको बताना है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन वन, देयर आर फंडामेंटल राइट्स, पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 44 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन वन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे, वो है लिखा हुआ, रिटन है, तो इस पर आधारित है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो इस पर आधारित है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन वन है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45 है, विच यूनिट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। तो कहना क्या चाहता है, शहरी स्थानीय स्वशासन की कौन सी इकाई का एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो बाकी तीन तो होगी, यानी उनका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर उनका जिक्र होगा, बाकी चौथी का नहीं होगा। तो कौन सी है जिसका जिक्र नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड्स, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत। तो इसका राइट आंसर क्या है, कंटेनमेंट बोर्ड्स। तो इसका हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है तो इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन नहीं है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, विच यूनिट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन। तो वो है ऑप्शन ए, कंटेनमेंट बोर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 46 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। तो प्रीएम्बल में है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में या फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 46 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट किस में है, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं कोई भी जॉब आती है हिमाचल प्रदेश में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज
आती है तो उसकी नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, आपको सबसे पहले पता लग जाती है। कुछ भी हिमाचल में हो रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फ्री स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं, ऐसे मॉक टेस्ट डालते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च भी कर सकते हो HP एग्जाम फेस, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अराउंड अभी अगर देखेंगे तो 15,000 के अराउंड मेंबर्स हैं, तो जल्दी ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए। और कोशिश करूंगा बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल वहां पर आपके लिए डालता रहूं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डज नॉट प्रोवाइड द जुडिशियल रिव्यू, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑन USA पैटर्न, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू विथ लिमिटेड स्कोप, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो इसका राइट आंसर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना दे जिससे हमारा अगर फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जो कोर्ट है वो उसको वॉइड कर सकता है, नल और वॉइड बोल सकता है, यानी हटा सकता है उस लॉ को, क्योंकि उससे हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू यही पावर होती है कोर्ट की। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, 18 साल, 21 साल, 25 साल या 30 साल। तो 48 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 30 ईयर्स है। तो राज्यसभा का 30 साल है और लोकसभा का 25 साल है, सिंपल सी बात है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 है। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट ही हैज टू बिकम मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ। तो हिंदी में समझाता हूँ आपको, अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, मगर अगर उसे मेंबर बनाया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी मेंबर अपॉइंट किया जाता है, तो उसे कितने टाइम के अंदर किसी भी हाउस का एक मेंबर बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा का। तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 मंथ के अंदर मेंबर बनना है, 2 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ के। तो 49 का राइट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन डी। तो 6 मंथ के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर बनना ही पड़ेगा, तभी वो मेंबर बन सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 50 देखते हैं, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय, तो जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ दिस। तो बताइए, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्पीकर। तो जो स्पीकर है वो अपॉइंट करता है किसको, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। तो कहना क्या चाहते हैं, कौन सा फीचर कॉमन है इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में, अ सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूल जुडिशरी, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉमन है इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। द प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय, तो कहना क्या चाहता है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य का शासन इनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो बताइए किसके द्वारा चलाया जाता है उस समय, जब एक स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगा होता है। द प्रेजिडेंट डायरेक्टली, अ केयरटेकर गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो कभी भी किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसमें सीधा सीधा मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो भी चीज़ें संभाली जा रही है वो किसके द्वारा संभाली जा रही है, द गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। कोई भी लॉ बनेगा तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट की मर्जी से बनेगा, ठीक है, जो भी स्टेट का गवर्नर होगा उसकी मर्जी से ही बनेगा। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। 53 है, द पर्सन हु कैन स्पीक इन राज्यसभा एंड लोकसभा बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर, तो ऐसा पर्सन जो राज्यसभा में भी बोल सकता है और लोकसभा में भी, और मेंबर किसका है, राज्यसभा का ही है, तो वो कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा या द मिनिस्टर हु आर मेंबर इन राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, द मिनिस्टर हु आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो कोई भी मिनिस्टर जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा में भी। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो मैंने आपको बोला है, वैसे पॉलिटी इजी होती है, ज़्यादा पढ़ने को नहीं होता, अगर पॉलिटी की आप सिंपल सी बुक भी लोगे उसको भी पढ़ोगे तो पॉलिटी के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आने वाली, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, बाकी पॉलिटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पॉलिटी में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम 18 से 17 तो ठीक कर ही देते हैं। 54 क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे किसके द्वारा चुना जाता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द पीपल डायरेक्टली, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा या द मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो 54 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा।
आपने देखा कि लाइट चली गई है, तो थोड़ा सा वेट मैंने किया मगर लाइट नहीं आ रही। तो वैसे भी ड्यूटी का टाइम होने वाला है मेरा, 2 कर घंटे बचे हैं ड्यूटी के, तो अब लाइट पता नहीं कब आएगी। तो ऐसा करूँगा, जो इस मॉक टेस्ट की आंसर की होगी वो आपको कहाँ मिलेगी, हमारे ऐप में मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करो। वहाँ पर स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन होगा, उसमें जाना। वहाँ पर जो ये मॉक टेस्ट है इसकी PDF भी डाल दूंगा, और इसकी जो आंसर की है उसकी PDF भी डाल दूंगा। 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, तो ये दोनों वहाँ पर डाल दूंगा। वहाँ से आप चेकआउट कर लेना आपके कितना स्कोर बन रहा है। बाकी कमेंट करके बता देना कितना स्कोर बन रहा है, मॉक टेस्ट कैसा लगा, टफ था, ईजी था, जैसा भी आपको लगे। तो नीचे कमेंट करके भी बता देना। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपके लिए ये मॉक टेस्ट डाल दूंगा और इसकी आंसर की भी। तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ, और ज़्यादा तो अब क्या ही करूँ, अब लाइट चली गई है तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपसे अगली क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेस ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962800 पर अभी व्हाट्सएप करें।